Hi guys. Okay. Let me open it on my next phone. 1 second. Now I can see. Okay. Hi guys, welcome to Aao Baate Kare, Pooja here. This is your tarot life. Ye chat hai. This is your Saturday life. This is a chat. This is not a tarot. So join in and let's have a chat Saturday. Okay. एंड इफ़ आई नो यू और आप मेरे से वन टू वन फेस टू फेस आना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. आई विल एक्सेप्ट इट. हाय शिवानी, क्या हो रहा है? व्हाट स्पेशल? दिस शुड बी थोड़ा ऊंचा, सो आई टू लुक अप. हो गई तुम्हारी प्रैक्टिस रेसलिंग सारी खत्म? अच्छा, उस दिन मैंने क्या कहा था शिवानी, सैटरडे को पूछना? मुझे सवाल नहीं याद है, तुम्हें याद है? मैं हर एक को एक होमवर्क दे के रखती हूँ, ये सैटरडे को पूछना. सो ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच लक्ष्मी, थैंक यू स्वीट हार्ट. यू गाइज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू सी यू ऑल ऑल्सो. सो जॉइन इन अ वन टू वन लाइव विथ मी. And let's talk about life. Let's talk about different questions about life. अच्छा, तो same thing, like कीजिए, share कीजिए, and you can ask me some personal question. फटाफट share करो, then I'll pick up your questions. And first and foremost, बहुत अगर आपको कोई question है about sleep, नींद अच्छी आती है, नींद अच्छी नहीं आती, ex relationship, अफर्मेशंस, इन सब के लिए आपको मुझे शेयर टैग होना पड़ेगा. कल और आज मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल था, जल्दी जल्दी आओ और जल्दी जल्दी शेयर करो, नहीं तो मैं लाइव सी यू टाटा बाय बाय करके एक घंटा सोने के लिए भी बहुत तैयार हूँ. आई एम लाइक गुड नाइट, बहुत आई एम लाइक सच अ हेक्टिक शेड्यूल. तो हरी अप, हेलो पूजा, हाय स्वीटहार्ट, कहाँ से हो? यू आर फ्रॉम कोलकाता? ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक जेनरिक अपनी तरफ से बताऊंगी एंड इट्स मुंबई. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैनी पीपल आस्क मी कि हाउ टू स्टे इन पॉजिटिव वाइब मैम, हाउ टू स्टे इन क्या बोलते हैं, हाई वाइब. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप से रोज क्या बात करते हैं. सुबह उठ के दिन में अगर आप बोले कि मेरे साथ कुछ लाइफ में अच्छा नहीं होता, मेरे साथ लाइफ में सारी गड़बड़ चीज़ें होती हैं, मैं बहुत अनलक्की हूँ या मेरा कोई काम नहीं बनता, अगर आप हाई वीनू हेलो, अगर आप उन लोगों में से हो जो यही सोचता है और यही दोहराता है, तो दैट इज वॉट यू, दैट इज द अफर्मेशंस. तो अनोइंगली आप वो अफर्मेशंस अपने माइंड में दोहरा रहे हो, वो अफर्मेशंस आप तैयार कर रहे हो, ठीक है? देन ऑब्वियसली यू डू नॉट सी थिंग्स हैपनिंग. ऑब्वियसली फिर आप बोलते देखा मैंने बोला ही था, मैं देखा मैंने बोला ही नहीं था, आप ही वो अफर्मेशंस रिपीट कर रहे हो कि मेरा कोई काम नहीं बनता, कुछ अच्छी चीज मेरे साथ होती ही नहीं. तो इन आपको, आप में से किसको ये आदत है? अपना हाथ ऊपर करो. सो लक्ष्मी, यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन. कोई इट्स नॉट अ टैरो, इट्स अ चैट. सो यू कैन आस्क मी ऑन अफर्मेशंस, मेडिटेशन, या कोई ऐसा पर्सनल क्वेश्चन हो जिसमें आपको कंफ्यूजन हो उस बारे में. दिस इज ऑल अ चैट सेशन. नो रीडिंग टुडे मैम. मी पूजा स्टार्ट शेयरिंग
आई वॉन्ट टू सी शेयर अ टैक्स टू पिकअप योर क्वेश्चंस गाइज. सो दिस सेल्फ टॉक एंड पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप अपने आप से बार बार नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव होंगी, बिकॉज आप दिन भर पूरी एनर्जी वो आपके हाथ में है कि आप पूरी एनर्जी या तो किसी अच्छी चीज़ पे डालें या किसी टेंशन वाली चीज़ पे डालें. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू, अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ चाहिए आज तक नहीं हुई ठीक है, तो भी स्टार्ट हैविंग अ विश, क्योंकि पेंडेमिक भी आज तक नहीं हुआ. जो भी दुनिया में है और 100 साल के अंदर है वो नहीं बोल सकता हाँ ये पहले हो चुका है, राइट? तो भी हुआ ना, वी आर ऑल गोइंग थ्रू इट, वी आर फेसिंग इट. सो इट इज़, अगर कुछ अच्छा चीज़ नहीं हुआ, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वॉट आर द अफर्मेशन, और किस चीज़ को आप ज़्यादा वो क्या कहते हैं एनर्जी देते हो. हाय करिश्मा, स्वीट हार्ट शेयर करो, शेयरिंग टैग के बाद आई विल पिक अप पर्सनल क्वेश्चंस. स्टार्ट शेयरिंग फटाफट. जैसे मैंने बोला मेरे कल और आज इतना हेक्टिक था, तो इफ़ यू ऑल वॉन्ट दिस लाइफ टू कंटिन्यू स्टार्ट शेयरिंग जल्दी जल्दी, अदरवाइज आई विल बी वेरी हैप्पी टू से गुड बाय ऑल्सो एंड फॉर स्लीप फॉर एन आवर ऑल्सो. मैं बहुत थकी हुई हूँ. ओके एंड सो ऑल ऑफ यू ऑल, जब भी आप ये लाइव देखें, आई थिंक पॉजिटिव टॉक और सेल्फ टॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो आई सी अ शेयरर टैग विथ यू पूजा. आई डोंट नो वेयर टू गो एंड वॉट टू गो एंड वॉट टू गो हाउ टू गो. सी सबसे पहले पूजा, यू हैव टू डिसाइड, यू डोंट नो वेयर टू गो, कहाँ आपको क्या कहते हैं पर्सनल लाइफ में कन्फ्यूजन है या आपको प्रोफेशनल लाइफ में कन्फ्यूजन है, उसके बारे में आपको मुझे पूछना पड़ेगा. वॉट इज, मतलब ये बहुत जेनरिक हो गया ना, आई डोंट नो वेयर टू गो. सो यू हैव टू गिव मी अ जेनरिक कि मैम मैं पर्सनल लाइफ में कन्फ्यूज होती हूँ रिलेशनशिप में, या मैं करियर वाइज कन्फ्यूज होती हूँ, वॉट टू डू इन लाइफ. तो गिव मी योर नेम, एज एंड सिटी भी लिखो. यू मस्ट बी ऑन सम स्टेज इन लाइफ ना, कि आप करियर शुरू कर सकते हो, और कुछ तो आपका लाइफ में होगा कि यू हैव अ करियर, यू आर स्टडिंग. तो यू विल हैव टू गिव मी डिटेल विद दिस क्वेश्चन फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन टू यू, क्योंकि हर एक का अलग 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 होगा. ओके और अपने क्वेश्चन रीसेंड करो, नहीं तो चला जाएगा. सोलमेट की एनर्जी देते प्लीज टेल मी क्या है, ऑल टाइम उनको मिस करते हैं. पी एन श्रीवास्तव, सोलमेट की एनर्जी देते प्लीज टेल मी क्या है. मुझे आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, थोड़ा क्वेश्चन ठीक करके रीसेंड करो. आई डिडंट गेट इट. ओके करिश्मा, आई सी योर टैग. हेलो मैम, अफर्मेशन कैन कट पास्ट बैड कर्मा. अफर्मेशन कैन कट कर्मा. करिश्मा आर यू देयर? यस नो? Unless you will answer me, I don't know. मैं किससे बात कर रही हूँ. I'm personal life, I'm single, 41 years old, Mumbai, health not well, financial problems, parents lost, emotionally very weak. Okay, so Pooja, first and foremost, this is a very clear question now. See, first of all, you're single, ठीक है? सेकेंड इज़ बिकॉज आप सिंगल हैं, पेरेंट्स नहीं हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब की वजह से ऑब्वियसली आपको एंग्जाइटी है. जब आपको एंग्जाइटी है, जब आपको स्ट्रेस है, देन दैट लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो सबसे पहले यू विल हैव टू हैव सम सोर्स ऑफ इनकम. तो चाहे आप कोई जॉब करें, चाहे आप छोटा सा बिजनेस शुरू करें, यू कैन स्टार्ट कुकिंग, यू कैन स्टार्ट बेकिंग, जो भी आपका फील्ड हो, तो समथिंग यू हैव टू स्टार्ट, ताकि आपका लाइफ में धीरे धीरे एक सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाए. एंड यू ऑल्सो गेट बिजी इन द मॉर्निंग. जब सुबह आप उठे तो आपके लाइफ के खालीपन के अलावा
कि बजाय, अलावा इज नॉट द वर्ड, बजाय इज द वर्ड, यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग. क्योंकि इस वक्त आपके लाइफ में ना जो आपने कहा इज एग्जैक्टली राइट, यू आर नॉट श्योर मैं अभी कहाँ जाऊँ, बट कहाँ जाऊँ इज दिस टाइम इज फॉर यू टू री इन्वेंट योर सेल्फ. अगर कोई परेशानी का टाइम आता है, कोई तकलीफ का टाइम आता है, तो हमारे पास चॉइस है हमें री इन्वेंट करना. दैट इज आर कर्मा, दैट इज अ सैटर्न, दैट इज वेयर वी हैव टू पुट इन आर एनर्जी. ठीक है, लोग सैटर्न के बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं, अरे सैटर्न है, अरे कर्मा है. इट्स नॉट दैट, यू हैव टू पुट इन योर पॉजिटिव एनर्जी, वो टाइम काम करना, बिकॉज सैटर्न मेक्स यू वर्क, सैटर्न वॉन्ट्स यू टू हैव डिसिप्लिन इन लाइफ. सो सबसे पहले यू विल हैव टू स्टार्ट फाइंडिंग आउट सम आंसर्स, सम सॉल्यूशंस ऑन योर ओन, कि मैं लाइफ में करियर में कैसे करूं ताकि आई स्टार्ट गेटिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ठीक है, ऑल्सो यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल ग्रुप, अ फ्रेंड्स ग्रुप, जिससे आप कनेक्ट कर सकें. और प्लीज फ्रेंड्स ग्रुप हो, रिश्तेदारों का ग्रुप हो, एवरीबडी इज बिजी, एवरीबडी हैज गॉट सम अपनी परेशानी. ठीक है, सो जब भी कनेक्ट करो ना, ट्राई नॉट टू जस्ट क्रिप टू देम, जस्ट ट्राई एंड कनेक्ट हैप्पीली टू देम. अगर आप हमेशा सिर्फ अपना दुखड़ा बताओगे ना, कोई नहीं सुनेगा, बिकॉज एक लिमिट के आगे हर एक के अपने अपना बैगेज है, वो शायद आपसे शेयर नहीं कर रहे. सो ट्राई एंड जस्ट बी हेलो हाय, कैसे हो, क्या है, एंड स्टार्ट वर्किंग. क्योंकि एक लिमिट के आगे कोई सुन के भी, अनलेस यू आर वर्किंग ऑन योर ओन लाइफ, नोबडी कैन डू एनीथिंग मच अबाउट इट. है ना, आई होप ये आप, इससे आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा, और आपको सोचना पड़ेगा और एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. आदित्य के, आदित्य दिस इज अ चैट, सो आपको आपकी डिटेल्स देने पड़ेंगे, एज, क्वेश्चन, सिटी, एंड कोई चैट क्वेश्चन, अफर्मेशन, ऐसे आप पूछ सकते हैं. करिश्मा इफ यू आर देयर लेट मी नो. संदीप आई डोंट नो, सो आई कैन टेक यू ऑन अ वीडियो, आई ओनली टेक द पीपल आई नो. यस, वेरी ट्रू. सो पूजा, एक्शन तो तुम्हें ही लेना है. ठीक है, और धीरे धीरे, बाइट बाय बाइट, स्टेप बाय स्टेप होगा. ये मत समझो कि बस एक सेकंड में ही सारी क्लैरिटी आ जाएगी और कोई जादू के बटन से कुछ चेंज हो जाएगा सब, ऐसे नहीं होता है. बट जैसे जैसे आप एक स्टेप लेते जाओगे, आपको और एक दरवाज़ा खुला मिलेगा, और एक दरवाज़ा खुला मिलेगा. करिश्मा आई वॉज लुकिंग फॉर यू, आई सेड वेर आर यू, आई कैन सी योर टैग बट आई कुडंट सी यू. अफर्मेशन, स्वीट हार्ट, डू नॉट कट द पास्ट कर्मास, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कर्मा यू हैव टू, इट्स लाइक अ बैंक. ठीक है, द पास्ट कर्मास हैव टू बी ओनली कवर्ड विद गुड कर्मास. एक, अफर्मेशंस कैन कीप यू मोटिवेटेड, अफर्मेशंस कैन कीप यू ऑन द राइट ट्रैक. आई आस्क्ड वेदर यू आर देयर और नॉट, मैंने ये पूछा. तो अगर आपको अफर्मेशंस चाहिए, कर्मा इज डन बाय योर एक्शंस. और मैनी टाइम्स ना, ये लोगों को बहुत गलत फहमी है कि इफ दे हैव अ ब्रेकअप, ये मेरा पास्ट कर्मा था. ये सी, इट कैन जस्ट मीन्स दैट सिंपल कि इट्स अ पैटर्न जो आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो, और रिकग्नाइज कर रहे हो तो चेंज नहीं कर रहे हो. इट कैन बी जस्ट अ पैटर्न. सो यस, पैटर्न इज ऑल्सो अ कर्मा. बट पैटर्न तब आता है कि आपको लाइफ में एक, सपोज इफ यू गो इन अ रिलेशनशिप विथ योर पास्ट बैगेज, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन अ नेक्स्ट रिलेशनशिप मुझे वो बैगेज दरवाजे के बाहर छोड़ देना है. तो वो हैबिट जितनी जल्दी आप डालोगे, उतनी जल्दी यू कैन यू नो गो विथ अ फ्रेश एनर्जी इन अ न्यू रिलेशनशिप. अगर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ जाते हो विथ पुराना बैगेज, तो ऑब्वियसली यू आर जस्ट लुकिंग फॉर रेड फ्लैग्स. इमिग्रेशन क्या है, उनसे अटैच के बिना मिले उनको फीलिंग, काफ़ी स्ट्रेंज लाइफ होना, कॉन्टैक्ट में हूँ उनकी फील, ये क्या. मुझे आपका क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग है. मुझे एक सिंपल क्वेश्चन पूछो ना, जैसे अफर्मेशन समथिंग, ये क्या. आ,
माइंड में रहता है, जो जो मुझे समझ में आ रहा है ना कि somebody you are missing or something, ये मुझे बात समझ में आ रही है. हाय मैम, हेलो सुमन मलिक, मिस यू, तो ज्वाइन करो और क्वेश्चन पूछो. तो करिश्मा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. भैया इतनी हिंदी कहाँ से मिलेंगे, मैं अभी तक मिली नहीं है, कब मिलेगी. ये टैरो का क्वेश्चन नहीं है संदीप. चंद्राई, हाय चंद्राई एंड सुमन, दोनों शेयर करो. आफ्टर शेयर अ टैग यू कैन आस्क मी योर पर्सनल क्वेश्चंस. राइट, ओके. सो लक्ष्मी, जो मुझे समझ में आ रहा है, यू आर मिसिंग समबडी एंड सी यू आर मिसिंग समबडी, इट कैन बी मेनी थिंग्स, दैट पर्सन इज मिसिंग यू, तो भी आप उसको मिस कर सकते हो. मे बी आप दोनों का इमोशनल कनेक्ट है, आप लोग बात करते हो इवन इफ यू आर कैन नॉट मीट ईच अदर. सो दीज आर ऑल इमोशनल कनेक्ट, सो इट कैन बी दैट ऑल्सो, मेनी थिंग्स इसमें इन्वॉल्व है. सो आई अंडरस्टूड, थैंक्स, ग्रेट. हाय सुजन, सुमन, एक तो तुम्हारा नेम चाहिए, सिटी चाहिए, शेयरर टैग चाहिए क्वेश्चन से पहले, और फिर क्वेश्चन लिखो. सो यू हैव टू शेयर मोर टिल आई यू गेट अ शेयरर टैग. नहीं, शेयरर टैग आना चाहिए, तो जब आएगा आई विल लेट यू गाइज नो, तो और भेजना पड़ेगा. हाय सुजन, हाय, दिस इज नॉट अ टैरो, दिस इज अ चैट सेशन. सो यू कैन आस्क मी समथिंग, एज यू हैव ऑलरेडी शेयर, यू कैन आस्क मी समथिंग ऑन रिलेशनशिप, रेड फ्लैग्स, अफर्मेशन और समथिंग लाइक दैट. ओके, इट्स अ क्वेश्चन आंसर सेशन. सुप्रीत, सेम थिंग. ओकी सुमन, नाउ आई गॉट योर दिस. माँ का पसंद करती हूँ मैं, जिसे पसंद करती हूँ. एज, एज लिखो, एज फटाफट एज लिखो, एंड बिलो 18 नहीं पूछना क्वेश्चन कोई भी. बताया काफी लोगों ने. लक्ष्मी, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है. सी, इट डिपेंड ऑन द पर्सन. इफ यू आर हैप्पी विद दैट पर्सन, इफ यू फील अ कनेक्ट विद दैट पर्सन, साथ में लिखना है, एज साथ में, क्वेश्चन साथ में, सारी चीजें साथ में, अलग 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 मुझे नहीं पकड़ाना, मैं नहीं इतने में ढूंढने वाली. फीलिंग एंड इंटेंशन, सौरभ इज ही मिसिंग मी कोलकाता. चंद्राई, ये टैरो नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, चैट है. तो टैरो से रिलेटेड कुछ आपको पूछना है, अफर्मेशंस, रिलेशनशिप्स, हाउ टू गेट ओवर एन एक्स, हाउ टू अंडरस्टैंड रेड फ्लैग्स, तो ऐसे क्वेश्चंस आप मुझे पूछ सकते हैं. राधा, राधा सेम थिंग, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ. प्लीज ऊपर जाके पढ़िए मैंने क्या लिखा है. सावी, हाय, दिस इज अ चैट, चैट, दिस इज नॉट अ टैरो, तो चेंज इट टू अ चैट क्वेश्चन. मैं जिसे लव करती हूँ वो मुझे मिल गया कि नहीं, मिलेगा या नहीं, इस्लामाबाद पाकिस्तान पे. मैंने वही तो बोला ना सुमन, ये टैरो नहीं है, तो चैट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, रिलेशनशिप्स, मेडिटेशन, अफर्मेशंस. क्योंकि आगे पीछे आई डोंट गेट टाइम टू टॉक टू यू गाइज और चैट और एक्सप्लेन समथिंग इन लाइफ, क्योंकि टैरो में इफ आई से कम इन हाई वाइब, तो लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, मैम हाई वाइब कैसे आए, व्हाट एग्जैक्टली शुड बी डू. नवजोत और निशान, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा मैम. गाइज, जो भी क्वेश्चन भेज रहा है प्लीज ऊपर जाके पढ़ो, दिस इज अ चैट सेशन. तो आप कोई चैट का क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं. ओके, एक मिनट.
राधा व्हेन विल माय लाइफ, अच्छा ठीक है आपने शेयर किया है तो लेट मी टेक इट लाइक दिस, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है आपके हिसाब से, राइट इट डाउन, वो लिखो। हाय मैम, व्हाट इज ट्रू फ्यूचर ऑफ रिलेशन विद आलोक राइफ, कांट मैरी इच अदर। हाय परी, ये चैट है, टैरो नहीं है। तो मैंने किसको पूछा था अभी ये सवाल? अच्छा परी मुझे ये बताओ, आपके हिसाब से चैट मतलब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि अफर्मेशंस कैसे करें मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है मैम, रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम्स कुछ हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको टूल्स और टिप्स दे सकती हूँ, और यू कैन, किसी को मेडिटेशन में प्रॉब्लम होता है, कोई बोलता है नींद नहीं आती मैम, सो दीज आर कॉल्ड चैट सेशंस। मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नल, कितने सारे चैट क्वेश्चंस होते हैं। आई एम नॉट हैव बेबी, ओके। सो राधा अभी आपने शेयर किया है तो चलो इसको अभी आप लोगों को धीरे धीरे आइडिया आएगा व्हाट डू आई मीन बाय चैट। नाउ इसको आपका क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। नाउ यू नॉट हैविंग अ बेबी, एक मेन रीजन होता है कि आपको स्ट्रेस कितना है आउट ऑफ 100। अभी आप ही मुझे जवाब दो, आउट ऑफ 100 आपके लाइफ में स्ट्रेस कितना है? हाँ अब सही लिखा क्वेश्चन परी ने, वेरी गुड। हम लोगों के रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम है मैम, क्या करें? प्रॉब्लम क्या है, राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स, चलो लेट्स डिस्कस। 80, वेरी गुड, एटलीस्ट तुम लोग इतना समझ के फटाफट बता पा रहे हो। सो 80% स्ट्रेस है राधा। सबसे पहले ये स्ट्रेस लेवल आपका शुड कम डाउन टू एटलीस्ट 20-25, ठीक है, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी रीजन से रिलेटेड हो, आपके पूरे हार्मोन्स हिल जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर तो ऑब्वियसली आपको यही बोलेगा कि आपको हार्मोन्स अलाइनमेंट है, ये है वो है, बट इसका बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज इज टू डू विथ स्ट्रेस। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस ऑन रिलेशनशिप्स, बिकॉज इन टैरो मेरे पास हफ्ते में 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आई डील विथ क्लाइंट्स, तो उनको मैं जो टिप्स एंड टूल्स मैं मेरे पर्सनल क्लाइंट्स को देती हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ ऑन चैट सेशंस, तो यू ऑल कैन आस्क मी क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ सो वेयर वाज आई, एक मिनट यार, देखो ना 27 में भी इसको ठंड क्यों लग रही है। यू आर राइट, ओके। सो ये तो राधा, सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम करना है, ठीक है। कैसे कम करोगे? कोई चीज़ जो आपको, जो चीज़ सोचो इसका एक लिमिट क्या आ गया, आप नहीं बदल सकते ना, उसका स्ट्रेस लेना छोड़ दो। ये ग्लास यहाँ का वहाँ क्यों रखा है, उसने वो क्यों कहा मेरे, उसने फ़ोन क्यों नहीं किया, उसने ये क्यों कहा, देवरानी ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, सास ने क्या कहा, फलाना ढिंकाना ने, सब छोड़ दो। मैं वही तो बोल रही हूँ, स्ट्रेस कम करने के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ। स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे पहले हर चीज़ की, लोगों की बात ना मन पे मत लगा लो, ठीक है। और प्रेगनेंसी को टाइमर नहीं है, 6 महीने हो गए तुम्हारे बच्चा नहीं है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो खुद को ना एग्जाम पे मत बिठाओ। यू आर गिविंग ऑल द सिचुएशंस टू योर बॉडी कि तुम्हारा बॉडी 24/7 ना एक ऐसा लगता है कि मैं कोई स्ट्रेस में हूँ 24/7, तो उसके हॉर्मोन्स ऑब्वियसली बदले होंगे। सबसे पहले रिलैक्स करो, चिल करो, छोटी छोटी बात को अपने पे इफेक्ट मत होने दो। गाइज यू विल हैव टू रीसेंड योर क्वेश्चंस, क्योंकि मैं एक को समझाऊंगी, काफी क्वेश्चन जा रहे हैं, तो रीसेंड करो। परी एंड वन आर टू मोर पीपल हैड वेरी नाइस क्वेश्चंस, तो वापस रीसेंड करो। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि आप हर चीज, हर आदमी को खुश करने जाने, हमको ना स्पेशली इंडिया या एशियन लेडीज़ को बहुत आदत होता है कि हम सबको खुश करना चाहिए। किसी को ये ना बोले कि हमें राधा पसंद नहीं, बस उसके लिए राधा जान लगा देगी अपनी। बट ये हम एनीबडी या कोई भी आदमी पूरी दुनिया में हर एक को खुश नहीं कर सकता है। हमें सबसे पहले इन सब चीज़ों के लिए
अपने आप को भी उस खुश करने के लिस्ट में हमें अपने आप को भी पढ़ना है, लिखना चाहिए, हमें अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो उसी हिसाब से यू हैव टू डू समथिंग जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आप रिलैक्स हो, और छोटे छोटे लोगों से, छोटी छोटी बातों से आप इफेक्ट होना बंद कर दो। क्योंकि आप सोचो ये सारे ना मुझे हैम्पर कर रहे हैं फ्रॉम मी हैविंग माई बेबी, माई ड्रीम, बिकॉज जितना ज़्यादा आप ब्लॉक्स बना रहे हो, खच 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 खच, तो स्टार्ट रिमूविंग स्ट्रेस के ब्लॉक्स। ओके परी, आई एम डूइंग PhD मैम, कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा परी, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम कौन से टाइम पढ़ाई करती हो? सुबह करती हो, शाम को करती हो? कितने टाइम पढ़ाई करती हो? और सोशल मीडिया पे कितना रहती हो? फटाफट जवाब दो। निशा शेयर करो एंड देन आस्क मी योर क्वेश्चन, बट दिस इज नॉट अ टैरो क्वेश्चन। सौरभ अभिलाय, सक्सेस इन लैंड डील, वर्किंग सिंस 1 ईयर। प्रियंका, एक तो मुझे आपका एज चाहिए, सिटी चाहिए, एंड यू हैव टू हैव अ शेयरर टैग। तो शेयर मोर, व्हेन यू गेट अ टैग मैं खुद ही आपको बता दूंगी। सेम थिंग विथ निशा। हाँ तो परी, तुम्हारा, हाँ 9 से 5 लैब में, एंड यस व्हाट्सअप इंस्टा चलता है काफ़ी। 9 to 5 लैब में, 9 to सुबह 9 से 5। अच्छा PhD है, ओके ठीक। सो अभी तुम एक काम करोगे, विच इज़ योर बेस्ट टाइम टू स्टडी ना, 2-4 घंटा, अभी आप व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम का एक टाइम निकाल लो, दोपहर को 1 बजे, शाम को 9 बजे, 2 बार देखोगे, कोई दुनिया इधर की उधर नहीं हो रही। घर वालों को बोलो कि कोई ज़रूरी काम है इससे ज़्यादा तो मुझे कॉल कर देना, कोई इमरजेंसी है तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है। क्या होता है व्हेन वी टेक इन, प्रियंका नेक्स्ट आई टेक योर क्वेश्चन, की प्री सेंडिंग गाइज, वो चला जाएगा आपका क्वेश्चन। हाँ यस मैम, कॉलेज टाइम, ठीक है। जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जब आप व्हाट्सअप चैट सुनते हो ना, अभी आप क्या कर रहे हो, अपने पढ़ाई का टाइम से अपना कॉन्सेंट्रेशन तोड़ रहे हो, ठीक है। फिर किसी ने क्या कहा, कुछ अच्छा कहा, कुछ बुरा कहा, कुछ ड्रेस की बात हुई, किसी का ब्रेकअप हुआ, किसी का कुछ हुआ, वो सारा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ डाल रहे हो। फिर विद दैट इन्फॉर्मेशन एंड पढ़ाई का इन्फॉर्मेशन, देर इज खच 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 खच। सो सबसे पहले, हाय जालजा, सबसे पहले यू हैव टू लिमिट योर व्हाट्सअप टाइम, चैट टाइम टू ओनली 2 times a day। नाउ मैंने आपको आपका प्रॉब्लम बता दिया, अभी सॉल्यूशन मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी है। शुभम, ये टैरो नहीं है, ये चैट है, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो यू कैन रीसेंड, री आस्क योर क्वेश्चन इन अ चैट फॉर्म। मैं खुशी रह पाती थी, फ्रेंड रिलेशनशिप में आई हूँ, वो बोलती है मुझे पढ़ने को मोटिवेट करते हैं पर फिर भी लेस कॉन्सेंट्रेट, मैं खुश नहीं रह पाती, फ्रेंड रिलेशनशिप में आए हैं फ्रेंड्स रिले, मैं क्वेश्चन नहीं समझी, फ्रेंड्स रिलेशनशिप में आई हूँ, मुझे समझ, आई यू इन अ रिलेशनशिप, क्वेश्चन रीसेंड करो। हाँ प्रियंका, तुम्हारी रिलेशनशिप का क्या कन्फ्यूजन, हाँ रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग करें, 25 आप क्या होता है। ओके प्रियंका, सबसे पहले व्हाट डू यू वांट इन अ रिलेशनशिप, राइट डाउन योर पॉइंट्स। अगर आपको कुछ रिलेशनशिप में चाहिए, आप क्या ढूंढते हो रिलेशनशिप में, एंड व्हाट आर योर मेन पॉइंट्स। जलजा हाय, गुड आफ्टरनून स्वीट हार्ट, शेयर करो और अपना क्वेश्चन पूछो, एनी क्वेश्चन, हाउ इज योर मेडिटेशन गोइंग। यस मैम, इन रिलेशनशिप वो मोटिवेट करते हैं पर फिर भी लेस कॉन्सेंट्रेशन है। मैं, चाहे आप रिलेशनशिप में भी हो, मैं इसीलिए आप बता रही हूँ, और लव केयर के अलावा, या आपका ब्रेकअप हुआ है किस रीजन से, देयर मस्ट बी मोर टू इट ना।
मैं आपको वही बता रही हूँ परी, इवन इफ इन योर रिलेशनशिप चैट यू हैव टू हैव सेट अ टाइमिंग, या लिसन, आप ये सोचो कि आपने पीएचडी करने का सोचा क्या है, उसका गोल याद रखो। जब आप गोल याद रखोगे ना, तब आप मोटिवेट हो जाओगे। यू आर डीमोटिवेटेड बिकॉज आपको कोई गोल नहीं दिख रहा है। सो आप बोलो मुझे पीएचडी करके जॉब करनी है, आई वांट दिस पे स्केल, फिर मैं ये करना चाहती हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं घर लेना चाहती हूँ, गाड़ी लेना चाहती हूँ, गुड लाइफ स्टाइल, दुनिया घूमना चाहती हूँ, जो भी आपका लिस्ट हो, देर शुड बी अ वाई यू आर डूइंग दैट थिंग। तो सबसे पहले खुद को, दिस इज अ वेरी गुड टाइम, ये टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज यही आपके आगे का करियर पाथ आपको डिसाइड करके देगा। ओके, एंड यू आर द ओनली वन हु कैन मोटिवेट योर सेल्फ। ये बोलना मतलब अभी तो बहुत छोटी सी बात लग रही है, बट इट इज वेरी वेरी दिस क्या बोलते हैं, इट इज अ सीरियस क्वेश्चन एंड यू हैव टू रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। एक मिनट। हाँ, आई एम नॉट मैरिड, आई एम फिजिकली नहीं चाहती, नहीं मैं फिजिकली का नहीं बात कर रही हूँ, आई एम सेइंग देर इज लव, देर इज केयर, दैट्स फाइन, ठीक है। बट अगर आप ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आफ्टर बीइंग इन अ रिलेशनशिप, या ये आप अज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज When you are manifesting, suppose आप manifest कर रहे हैं, आपको दो point से बहुत ज़्यादा चाहिए, ये बहुत vague answer हो गया। लड़का मुझे अच्छा चाहिए, love चाहिए, caring चाहिए, that is a very vague answer, ठीक है। फिर इसमें आप जब ढूंढने जाओगे ना, तो you will get a vague person, you have to be more detailed, कि he should have a good sense of humor, yes, he should be hardworking, yes, वो उस he should be emotionally available, yes, आई शुड हैव नॉट पॉजिटिव, येस, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का लेडीज का क्वेश्चन होता है कि हस्बैंड इज वेरी पॉजिटिव, बॉयफ्रेंड इज वेरी पॉजिटिव, सो दैट्स कॉल्ड अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो सबसे पहले यू हैव टू हैव, आज मत करो, 10 दिन ले लो, 15 दिन ले लो, इफ वॉट एवर द नेक्स्ट रिलेशनशिप यू वॉन्ट, उसके लिए आपके पास एक 10-12-15 पॉइंट का प्रॉपर डिटेल होना चाहिए, ताकि चाहे आपके फ्रेंड से सोचो कि यार यार इसका बॉयफ्रेंड इसके साथ ऐसे बिहेव करता है, ये बिहेवियर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। बट डू नॉट राइट व्हाट नहीं चाहिए, राइट व्हाट चाहिए। आई वांट अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि मैम उसके घर वाले नहीं मान रहे तो वो शादी नहीं कर सकता, फिर या मम्मी हमारी ऐसा कह रही है, सास हमारी ऐसा कह रही है। तो यू हैव टू बी वेरी डिटेल्ड कि पर्सन का आपको थॉट प्रोसेस कैसा चाहिए, बिकॉज जिस बारे में आप सोचेंगे, जिस चीज़ के बारे में आप मैनिफेस्ट करेंगे, वही आपको अपने लाइफ में दिखाई देगा। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड और इफ़ यू आर नॉट स्पेसिफिक, यू विल गेट अ नॉट स्पेसिफिक पर्सन, फिर यू विल मे बी वेस्ट टाइम विद अ नॉट अ वेरी गुड पर्सन, और बाद में सीखोगे। तो उससे अच्छा एनीबॉडी हु इज मैनिफेस्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर। आप मेरे पास लाइव्स भी देख सकते हो, यू विल हैव अ बेटर आइडिया व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस। एंड इफ और स्पेशली फॉर एवरीबॉडी, कोई भी पास रिलेशनशिप आपका है, नेवर गो इन अ न्यू रिलेशनशिप विद दैट बैगेज, ठीक है। जल्द रीसेंड करो, तुम्हारा क्वेश्चन कहीं चला गया है। गाइस कीप रीसेंडिंग। एक पुराना पास्ट बैगेज के साथ नेवर एंटर अ न्यू रिलेशनशिप। थैंक यू मैम। सो प्रियंका, पहले के भी देख लो लाइव्स एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग विथ एटलीस्ट 15 पॉइंट्स होने चाहिए, सो यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर। आप ऐसे बोल रहे हो कि आज चलो पिक्चर देखने जाते हैं, कौन सी पिक्चर पता नहीं, अच्छी, अभी जैसे कोई पूछे खाना क्या खाना है, अच्छा खाना है, कुछ भी बोल के खाना नहीं बनता ना, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। हाउ टू डू शैडो वर्क टू फॉरगेट द पास्ट, मेमरीज आर इफेक्टिंग माई बिजनेस।
जल जा, इट इज ऑल टुगेदर. मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, टेक वन टाइम, टेक 15 मिनट एवरी डे, चाहे आप सुबह कर सके, चाहे आप वीकेंड पे कर सके, चाहे आप 3 दिन बाद कर सके, ठीक है. सो टेक वन डे वन टाइम 15 मिनट वेयर आप शैडो वॉक कर लो, ठीक है. थिंक इस व्हाट इज ट्रबलिंग यू, उसको ना जैसे कि एक बोलते ना भूत आया, भूत आया, भूत की तरह मुड़ जाओ, आओ भाई बैठो, वन टू वन बात करते हैं. डू नॉट रन अवे, आई एम नेवर टेलिंग यू टू रन अवे. बोलो चल लेट्स डिस्कस, क्या इमोशन है जो फर्स्ट इमोशन आता है, टेक इट, राइट इट डाउन, ठीक है. ये इमोशन आया, क्या दिया इसने आपको, दर्द दिया, इसने आपको परेशानी दी, टेक दैट इमोशन, रोना है रो लो. मैंने उस दिन ही बोला, रोना है रो लो, तकिए पे मारना है मार लो, चीख लो, गेट इट आउट. मे बी यू वॉन्ट, दैट इज द वे यू वॉन्ट टू डू इट, गेट इट आउट, बट आफ्टर दैट से बाय बाय. तो वो इंसिडेंट, वो इमोशन को बोलो मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त दे रही हूँ, एंड आफ्टर दिस आई डू नॉट वॉन्ट टू रिपीट द सेम थॉट, ठीक है. सो दिस मे बी आपके पास 10 इमोशन है, मे बी आपके पास 15 इंसिडेंट है, 17 इंसिडेंट है, बट उसको एक वैल्यू दे के सेट इट ऑफ. मे बी यू नीड टू सेट इट ऑफ विथ योर इमोशन. ये हम सब समझ गए, आपके आप अकेले नहीं हो, हम सब है. लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज वेरी अनफेयर. ये सब बोलता है कि मैम मैंने नहीं किया, उसने ऐसे क्यों किया, मैं अच्छी थी, वो क्यों ऐसा था. वी ऑल नो दिस, वी ऑल हैव गॉन थ्रू दिस, ठीक है. बट इससे उभरना, इससे आगे बढ़ना, दैट इज वर्किंग ऑन योर सेल्फ. हाय तृष्णा, दैट इज वर्किंग ऑन, दैट इज शैडो वर्क एंड दैट इज मूविंग फॉरवर्ड. ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में, यहाँ चलो लाइफ पे छोड़ो, जो जिसके साथ हर चीज फेयर हुई है, खट 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 खट, ऐसा नहीं है. जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो छोड़ो यार, उस ऐसा नहीं होता. तो एवरीबडी इज गॉट हार्ट ब्रेक, एवरीबडी हैज गॉट सम नार्सिसिस्ट इन लाइफ. बस आपको पहचानने की जरूरत है, और पहचानने के बाद यू हैव टू टेक सम एक्शन, ठीक है. एक्शन कि यार ये मेरा बॉस नार्सिसिस्ट है, ये मेरा फ्रेंड नार्सिसिस्ट है, ये नार्सिसिस्ट इज जो पुट्स द पर्सन हु पुट्स यू डाउन. तुझे कुछ नहीं पता, तू क्या जानता है, तू क्या जानती है. दैट पर्सन पुट्स यू डाउन ताकि वो बड़ा दिख सके, वो आपको ऐसा टोकेगा ताकि आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स रहे कि मैं बोलूँ ना बोलूँ, बोलूँ ना बोलूँ. तो नार्सिसिस्ट की क्वालिटी ये होती है कि वो बहुत सटलली ना आपको धीरे धीरे आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भुला देता है. आपको लगने लगता है यार ये जो कह रहा है मेरे बारे में सही है, शायद मैं जानती नहीं, ठीक है. सो दैट्स व्हाट अ नार्सिसिस्ट इन छोटा छोटा. सो जलजा, सो फर्स्ट इज यू ऑल हैव टू फाइंड आउट द नार्सिसिस्ट. शायद आपकी लाइफ में 5 नार्सिसिस्ट हो. उस दिन मैंने पता नहीं किसको बोला, मैंने बोला तुम्हारे लाइफ में कार्ड्स में नार्सिसिस्ट दिख रहा है, ये कौन है. तो कहती है, एक ने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है मैम, दूसरे ने कहा मैम मेरी माँ. मैं इतना हंसी, मतलब क्यों, कहती वो मुझे दिन भर टोकती रहती है, वो यही बोलती तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती. सी माँ जान के नहीं कर रही होगी, बट अनजाने में शी इज पुटिंग द चाइल्ड डाउन, और वो बच्चे का कॉन्फिडेंस जाता है. हर एक आदमी का कॉन्फिडेंस उस पर नहीं जाता कि हमें पता नहीं, इंडियन पेरेंट्स को बहुत है, गुड जॉब मैम, थैंक यू, लव लाइफ प्लीज. कोयल, एक तो नेम सिटी एंड यू हैव टू शेयर एंड देन गिव मी योर वर्जन. अमृता सिंह ऑल्सो सेम, शेयर कर लिया, गिव मी अ नॉन टैरो क्वेश्चन, रिलेशनशिप, ग्रेटिट्यूड जर्नल, एंगर, कुछ भी. तृष्णा रीसेंड करो, आई लेट मी फिनिश व्हाट आई हैव स्टार्टेड. सो फाइंड आउट द नार्सिसिस्ट इन योर लाइफ, और फिर एक्शन लो. वो आपके हाथ में है कि आपको एक्शन, अगर आपको लगता है नेगेटिव है, तो नेगेटिव ग्रुप है, तो उस ग्रुप में रोज शाम को जाके मत बात करो उसके साथ, उस ग्रुप में कॉम्पिटिशन मत शुरू कर दो. कि अगर उस ग्रुप में जाना यू आर ओनली वैलिडेटेड, कि अगर आप कुछ नई चीज़ ला रहे हो, अगर आप
50,000 का फोन खरीद रहे हो, 2 लाख का फोन खरीद रहे हो, 25 लाख का 25,000 का पर्स खरीद रहे हो. सो दैट इज नॉट अ राइट ग्रुप. अगर आपको 24 घंटा कंपटीशन लग रहा है ग्रुप में, 24 घंटा प्रेशर लग रहा है, सो दैट्स अ नॉट अ प्रॉपर ग्रुप टू बी ना. तो ये समझने के बाद भी आप रोज अगर उसी ग्रुप में जाके शाम को बैठोगे कि यार उससे अच्छा मैं थोड़ा दिल बहल जाता है, थोड़ी गप्पे पता चल जाती है, देन दैट इज योर चॉइस. तो कुछ भी हमारे लाइफ में चेंज करने के लिए डिफिकल्टी होगी, परेशानी होगी, क्योंकि वो नया रास्ता है. बट पीपल वॉन्ट द इजी रास्ता, पीपल वॉन्ट कि नहीं यार चेंज ना करना पड़े. सो ये नहीं, इफ ये नहीं चलता फिर वो बाद में डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, कॉम्पिटिशन होता है, बट आप खुद ही उस रेस में भाग रहे हो. जस्ट मूव आउट, सो सिंपल. गिव सम टिप्स फॉर एंगर कंट्रोल. किसे गुस्सा आ रहा है त्रिष्णा तुम्हें? सी एंगर, एवरीबडी गेट्स एंग्री, एवरीबडी एक्सप्रेस करता है कि नहीं, कि एंगर इज आई थिंक अ वेरी नेचुरल इमोशन. ठीक है, गुस्सा, लव, जेलेसी, एंगर, ये सारा बहुत ही नॉर्मल एंड नेचुरल है. बस एंगर, आई गेट एंग्री, आई एम लाइक फट, बट द पॉइंट इज बिकॉज ऑफ मेडिटेशन एंड सेल्फ वर्क एंगर रहता नहीं है. ठीक है, एंगर इज टू द पॉइंट एंड एंगर शुड नॉट बी प्रोलॉन्ग्ड. जब प्रोलॉन्ग करते हैं ना, और तुम अगर हाइपर हो रहे हो, धक 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 धक, सपोज किसी ने तुम्हें कार चलाते वक्त लेन काटी, ठीक है, सो दैट इज वेलकम, जल जा 15 मिनट दो, एंड मुझे नेक्स्ट रीडिंग में तुम्हारे अगर मिला ना टेंशन तो तुम डांट खाओगी. ओके, सो नेक्स्ट आई शुड सी यू वॉकिंग, आई शुड गेट गुड वाइब्स इन योर नेक्स्ट रीडिंग. मैं तुम्हें हर टाइम कहती हूँ ही इज नॉट वर्थ इट, ये इग्नोर करके मारो. ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है उस वजह से. यस, हाँ, तो मैं वही बोल, सपोज आप कार चला रहे हो, ठीक है, किसी ने रॉन्ग कट मारा, आगे से गया, बहुत गुस्सा आता है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज व्हेन यू आर ड्राइव, ठीक है, दैट गुस्सा शुड लास्ट 5 सेकेंड्स, बिकॉज वो गुस्सा उसी टाइम के लिए था. बट अगर वो गुस्सा आपके साथ 1.5 घंटा चल रहा है ना, सो दैट इज अ ट्रिगर पॉइंट, राइट, देन द शैडो वर्क स्टार्ट्स. तब आपको ध्यान देना पड़ता है कि यार एक गुस्सा मेरे साथ कट मारा, चिढ़ गए, आपने कुछ बोल दिया, बट उसके बाद अगर 1.5 घंटा चल रहा है, 1.5 घंटा, 2 घंटा, यू आर लाइक दिस, ये शिकन वाला चेहरा है ना, तो दैट कट मारना इज अ ट्रिगर. तब आपको अपने पे ध्यान देना है. पीपल डोंट वॉन्ट टू टेक दैट एफर्ट. डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवाई दे ले लेगा, उनको वो लेना चलेगा, बट उनको खुद पे टाइम नहीं देना है. उनको लगता है हार्ड वर्क है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. सो दैट इज अ ट्रिगर पॉइंट, सो यू हैव टू सिट. एंड दैट डजंट मीन कि आपके लाइफ में कुछ बहुत ही तकलीफ वाला हो रहा है तो आप शैडो वर्क करो. नो, हम सबको शैडो वर्क की जरूरत है. और इट इज लाइक टेकिंग सम टाइम टू रेस्ट, टू रिलैक्स. अनु, आई कांट सी योर क्वेश्चन स्वीट हार्ट. टैरो नहीं है, नॉन टैरो का ऐसा कोई क्वेश्चन है तो जरूर भेजो वापस. सो एक्चुअली मुझे जब गुस्सा आता है, इवन आई डोंट अंडरस्टैंड मैं क्या बोल देती हूँ और बहुत लाउड हो जाती हूँ इसीलिए. सो त्रिष्णा, अभी आप क्या करोगे, जैसे मैंने जलजा को बोला, आई विल ऑल्सो गिव यू अ होमवर्क, जलजा वाला भी जरूर देखना, इट इज कॉमन फॉर एवरीबडी, एवरीबडी कैन डू इट. सिट डाउन फॉर 15 मिनट्स, सुबह बैठो, दोपहर को बैठो, शाम को बैठो, किसी भी वक्त आपको बैठना, बैठो, सिट डाउन, एंड चाहे लिखना है लिखो, चाहे बैठ के सुनना है सुनो, बट मुझे आज या कल गुस्सा किस लिए आया. ठीक है, फिर अगर सपोज आपको एक पॉइंट है, इस बात पे गुस्सा आया नहीं, पर इस बात पे आया क्यों, आस्क योरसेल्फ. फिर वो दिमाग वही बोलेगा कि चलो, सपोज कि किसी के वही लेते हैं, गाड़ी का वो जो दरवाजा वो कट किया ना लेन, वो ले लो, या किसी ने चाय गिरा दी टेबल पे, सोफा पे भी नहीं, चलो टेबल पे गिरा दी, ठीक है, पर फिर भी क्यों गुस्सा आया. वेन यू हैव टू कीप आस्किंग, बिकॉज टेबल पे चाय गिरा दी एंड यू गॉट एंग्री, दैट इज
व्हेनेवर माय लीगल मैटर्स फिनिश्ड और डिवोर्स्ड इन माय लाइफ। अनु ये टैरो नहीं है, सो नॉन टैरो क्वेश्चन पूछिए। टैरो अभी मंडे से होगा, फॉलो कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए। मैं पूरे हफ्ते का शेड्यूल देती हूँ मेरे FB पेज पे, जाके चेक कीजिए। हाँ, तो यू हैव टू कीप आस्किंग, या तो तृष्णा पूछो या लिखो। हाय खुशी, हाउ आर यू स्वीटहार्ट। तो यू कीप आस्किंग। नहीं फिर, पर मुझे गुस्सा आया क्यों? पर मुझे गुस्सा, जब आप बार बार पूछोगे ना, यू वोंट बिलीव, पहले दिन नहीं होगा, ये दूसरी आ गई। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। तो ये तृष्णा का वाला क्वेश्चन स्टोरी पढ़ना सुनना, तुम दूसरा क्वेश्चन पूछो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम शेयर करो नेम सिटी एंड आस्क अनदर क्वेश्चन। हाँ, सो आफ्टर फ्यू सिटिंग्स ना तृष्णा, पहले सिटिंग में नहीं आएगा, यू विल गेट अनदर आंसर, अनदर आंसर, अनदर आंसर। एक पता है, इट इज अ लेयर, वो जो आप टॉप मोर लेयर है, पर असली गुस्से का रीजन 6 लेयर नीचे है, दैट इज शैडो वर्क। तो उस पे काम करना है कि आया क्यों, आया क्यों, आया क्यों। सम पीपल आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, सम आर इन अ क्रैपी जॉब, तो वो गुस्सा शायद रोड रेज इसीलिए हो रहा है। रोड रेज इज नॉट एग्जैक्टली दैट, ठीक है। रोड रेज इज कि बॉस ने चिल्लाया है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, फिर भी मैं इस जॉब में हूँ, इससे बेटर जॉब नहीं मिल रही। सो लेयर्स कितना है, और जैसे वो एक ना वोल्केनो के टॉप पे हो, जैसे किसी ने तुम्हें गाड़ी की, तुम्हारा गुस्सा फटना है, तुम बाहर निकलो, और दैट इज रोड रेज, दैट इज मारा पीटी, दैट इज ऑल दिस थिंग, बिकॉज आउटलेट चाहिए। मैम BF को कैसे समझाए कि फिजिकल रिलेशन आफ्टर मैरिज नॉट बिफोर मैरिज। प्रियंका, इसमें ना देरा मतलब जो मैं टैरो में बताऊंगी, आप दोनों सेम थॉट प्रोसेस में नहीं हो, ठीक है। आपका एक एक थॉट प्रोसेस है, सही हो गलत हो वो आपका है, उसका एक अलग थॉट प्रोसेस है। सो इसमें दो ही रास्ते हो सकते हैं, इफ यू आर कॉन्फिडेंट और यू वॉन्ट कि ऐसा रिलेशनशिप जाए कि नॉट बिफोर मैरिज एनी फिजिकल, आफ्टर मैरिज दैट इज योर विश, देन यू विल इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एवरी डे विद दैट पर्सन, यू विल हैव टू ब्रेक अप विद दैट पर्सन एंड से थैंक यू सो मच, बाय बाय, है ना। बिकॉज इन शॉर्ट, चलो फिजिकल तो एक एग्जाम्पल, इन शॉर्ट आप दोनों लाइफ से कुछ अलग अलग चीजें चाहते हो। आज ये क्वेश्चन है, कल शादी के बाद कोई और क्वेश्चन आ जाएगा, कोई और क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर आज ये बड़ी बात लग रही है, शादी के बाद कुछ और बहुत बड़ी बात लगेगी, वेन टू हैव किड्स, वेन नॉट टू हैव किड्स, बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, कौन से नए स्कूल में जाएगा। तो इस रिलेशनशिप में अगर किसी को डोमिनेट करने की आदत पड़ जाएगी, तो दूसरे आदमी को सहने की आदत पड़ जाएगी। सो इफ अभी भी आपको लगता है नहीं, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, तो बेस्ट इज रोज चक 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 के बजाय सी यू टाटा बाय बाय, हम दोनों लाइफ से अलग चीजें चाहते। बट ये बोलने के लिए डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। पीपल इन टॉक्सिक सिचुएशन, डॉक्टर बस रिलेशनशिप छोड़ना क्यों नहीं है, बस क्योंकि मैं रिलेशनशिप में हूं। ओके मैम, विल श्योरली ट्राई एंड डेफिनेटली यू नो, पक्का। तो अंदर जाओ, लेयर पे जाओ, लेयर के बाद गुस्सा आ रहा है कोई, एंड राइट इट डाउन इफ यू वॉन्ट, ये रीजन है, ये रीजन है, और जो लास्ट बेस है ना, वन डे यू विल अंडरस्टैंड ये बेस रीजन है, देन यू हैव टू वर्क ऑन द कॉज ऑफ द बेस रीजन तृष्णा, उसको ठीक करना पड़ेगा। फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम वेरी गुड। मेरा कल का दिन भी बहुत अच्छा था। गाइज, गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम जो पर्सनल वाला है, और उसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा मैंने मेरा कल का लंच का डाला है, बिकॉज दैट्स माय पर्सनल व्लॉग, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, दैट इज नॉट माय आओ बातें करे वाला। आज सुबह भी आल्सो आई हैड टू गो आउट, सो नो मॉर्निंग रीड। क्या आफ्टर 20 इयर्स ऑफ मैरिज आपको किसी थर्ड पर्सन से अट्रैक्शन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? प्रियंका, ऊपर एक टैप लिंक है, उसमें मेरे सारे लिंक्स हैं, सारे। और अगर आप न्यू हो तो FB, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों फॉलो करो, इंस्टाग्राम के दोनों अकाउंट, इफ़ यू वांट माय पर्सनल लाइफ। अगर आपका प्रोफेशनल चाहिए तो आओ बातें करे रखिए।
मैं तीनों जगह लाइव जाती हूँ तो आपको इतना चांसेस मिलेगा. आई नो ऑल दीज गर्ल्स बिकॉज दे आर विथ मी फॉर लास्ट 3 months, 4 months, 6 months, इसीलिए. ओके एंड मैं इसको पूछना ही भूल गई, व्हाट्स हर नेम, जलजा और कृष्णा है. ओके हाँ, 20 years, 10 years, 10 years के बाद तुम डिसाइड करो 20 years है कि 10 years है. सी क्यों नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल बिकॉज मैंने अगेन आई विल से देर इज सम अदर रीजन. ठीक है, देर इज सम अंडर करंट ट्रबल इन योर मैरिज, चाहे आप उसको माने चाहे आप ना माने. इट इज लाइक कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है जो आप लोग फेस नहीं करना चाहते और उसका सॉल्यूशन आपको किसी और में दिख रहा है. मे बी दैट पर्सन हस्बैंड इज नॉट इमोशनली अवेलेबल. ठीक है, तो अगर कोई और आपको इमोशनली पैम्पर कर रहा है, आपको इमोशनली ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, देन यू और एनीबॉडी, जिसका भी आपका ये क्वेश्चन है, कैन गेट अट्रैक्टेड बिकॉज आफ्टर ऑल योर हार्ट इज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल ना. इट इज सम वॉइड विच इज गेटिंग व्हाट यू से फिल्ड अप, जो आपको आपके मैरिज में नहीं मिल रही है. सो दैट्स वाई देर आर रिलेशनशिप कंसल्टेशन, मैरिज कंसल्टेशन. पर वो आपके ऊपर डिसाइड होना है कि आपको वो कंसल्टेशन करना है या नहीं करना है, डिवोर्स करना है, सेपरेट करना है, अफेयर करना है. दीज आर ऑल योर चॉइसिस. लोग कोई भी चॉइस डेफिनेट नहीं लेना चाहते, दे जस्ट वॉन्ट टू गो विद द फ्लो. ऐसा नहीं होता है. वेन यू आर रियलाइज, सिट डाउन एंड दैट इज शैडो वर्क. ये मेरे लाइफ में सिचुएशन है. इंस्टेड ऑफ गोइंग इन सुपर गिल्ट और वरी और दिस एंड दैट, ठीक है वो इमोशन आया, उसके बाद गेट डाउन टू शैडो वर्क. अभी मैं इसके बारे में क्या करना चाहूंगी. डू आई वॉन्ट टू हैव एन अफेयर, डू आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई मैरिज, डू आई वॉन्ट टू सेपरेट. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको फेस करना पड़ेगा और आंसर भी आप ही को देना पड़ेगा. आपके लिए मैं या कोई और नहीं कर सकता. इवन अ काउंसिलर, मैरिज काउंसिलर, रिलेशनशिप काउंसिलर, इवन अ डॉक्टर विल से. अच्छा, तृष्णा इज हियर, तृष्णा या जलजा लेट मी नो. इवन अ मैरिज काउंसिलर और डॉक्टर भी बोलेंगे यही है आपको करना है, बाकी आपकी मर्जी. नोबडी कैन फोर्स समथिंग, ये आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलते. यू हैव टू डू इट, इफ यू विश टू डू इट और नॉट, इट्स योर विश. हाँ तृष्णा, सो आई नो यू. अच्छा जलजा तो नहीं है. इफ यू वॉन्ट टू कम 1-to-1, क्या बोलते हैं, लाइव चैट, मुझे रिक्वेस्ट भेजना बिकॉज अदर गर्ल्स आई डोंट रियली नो हियर. आई टोटली फॉरगॉट जलजा के टाइम. इन योर मैसेज कैन यू दिस रिमाइंड जलजा, आई डोंट सी हर हियर. ओके एंड एनी अदर क्वेश्चन गाइज, क्योंकि मैं चली नहीं तो और जैसे मैं लाइव बंद करूंगी ना 10 मिनट के अंदर 200 DM आ जाने. मैडम मुझे भी आना था, मैडम आप कब गए लाइव, मुझे भी क्वेश्चन पूछना था. शुक्र है वो नंबर मेरे पास नहीं होता और साइलेंट पे होता है. एक्चुअली हम दोनों में अभी भी बहुत. हाय मैम, हाय दिव्या, लव है बट हस्बैंड थोड़े थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व जो गए थे हो गए थे. ओके एक्चुअली हम दोनों में अभी भी बहुत लव है बट हस्बैंड थोड़े पार्टी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे. ओके सो खुशी सी थर्ड पार्टी में अगर कोई मैरिज में इन्वॉल्व होता है, देर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व. ठीक है, सो हाउ डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस मैरिज. डू यू, देखो एक बोलना होता है कि मैं भूल गई, मैं भूल जाऊंगी, और सच्ची भूल जाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. मैं अच्छा एक सेकेंड रुकना खुशी, एक अच्छा दिस इज योर रिक्वेस्ट, एक मिनट. तृष्णा एड, अच्छा तुम्हें निकलना पड़ेगा तृष्णा, आई डोंट नो हाउ टू गेट इट आउट. बट यू विल हैव टू कम आउट, ये तो मेरा ये लिंक टूट जाएगा.
दिव्या रीसेंड करो क्वेश्चन एंड खुशी रीसेंड करो ये लास्ट वाला. आई एम नॉट रेडी. और भाई जान ये ऐसा करो तो ये क्वेश्चन करो. आई कांट स्टैंड. हेलो मैम. हेलो यू लुक ग्रेट. सो तू बारवाल का चिंता मत करो, बहुत अच्छी लग थैंक रही यू. कैसे हो. सो ग्लैड टू हो? सी यू गाइस. देखो मैं ऐसे रखती हूँ, नहीं तो ना मैं आधी दिख रही हूँ. हाँ सो ग्लैड टू सी यू गाइस. हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड. देखो मेरा कल कल भी इतना हेक्टिक गया, आज भी. तो वीकेंड का क्या प्लान है? हाउ इज योर बच्चू? यू हैव गॉट टू किड्स? अभी तो कुछ प्लान नहीं है, पर लेट्स सी. बेबी इज बेबी ओके ना? बेबी इज ओके या ना? ही और इज कर फाइन. या ही इज फाइन ना? एंड हाउ इज द मामा? या शी इज आल्सो फाइन नाउ. गुड. वेरी गुड. बिकॉज़ टेक टेक टाइम टू रेस्ट आल्सो, टेक टाइम सम टू रिलैक्स आल्सो. वो भी ना मम्मियां ये भूल जाती है कि यार हम भी किसी के बच्चे हैं है ना. तो वी हैव टू टेक टाइम टू पैम्पर एंड टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ. पैम्पर का ये मतलब नहीं है कि कहीं बाहर खाना जाना है या स्पा जाना है. लोगों को ये मिसकंसेप्शन है पैम्पर मतलब ऐसा कुछ करना है. हाँ पैम्पर के जस्ट मीन कि 2 घंटा एक्स्ट्रा स्लीप कैन बी पैम्परिंग, कैन बी आधा पौना घंटा विद अ कप ऑफ कॉफी कैन बी पैम्परिंग. यू नो एनीथिंग जो आपको हैप्पी करे विदाउट फीलिंग कि यार मेरे को कोई क्या कहेगा. ये एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी. यू डोंट नीड टू डू एक्चुअली कुछ एनीथिंग. पॉइंट ऐसे आ गया है कि एवरी टाइम आई गेट एंग्री और मैं इतना कुछ बोल देती हूँ, और उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता, इतना गिल्टी फील होता है कि मैंने इतना कुछ बोल दिया, इवन माई बेबी टू इवन माई हस्बैंड. तो समझ में नहीं आता कि हो क्या गया एकदम से. तो आई ट्राई, मैं पैम्पर करूँ अपने आप को, बट होता नहीं है वो. मतलब पैम्पर कर भी लेती हूँ ना, तो वो कुछ पॉइंट पे ऐसे गुस्सा निकल के आ रहा है, तो वो माइंड सेट ही नहीं बैठ रहा है कि उसको कैसे कंट्रोल करूँ. मैं बार बार आई ट्राई टू कंट्रोल, बट वो होता ही नहीं है. बिकॉज एक दिन में नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक दिन में नहीं होगा क्योंकि ये काफी टाइम से आया है. ये सबके साथ होता है ठीक है. सो मे बी यू नीड सम टाइम फॉर योरसेल्फ, 15-20 मिनट. कुछ अच्छा जगह बैठो शांत से ठीक है, वेर यू आर हैप्पी. एक घर में ना हर एक की जगह होती है यार, यहाँ मैं बहुत खुश हूँ. एक कोना होता है घर में हर एक का, छोटा घर हो बड़ा घर हो, एक कोना की यार यहाँ ना आई फील गुड, एक वाइब आती है. बच्चा उठा, चलो बेबी रो रहा है. सॉरी, नेटवर्क इश्यूज हो रहा है. एक मिनट बाबू, एक मिनट रुको. बेबी बेबी उठ गया. अच्छा इधर आओ, एक मिनट इधर आओ. इधर आंटी को हाय बोलो ना. बाबू हाय बोलो. अरे सो स्वीट. हेलो अरे इधर देखो कौन है. हेलो भाई बोलो. कोविड में क्या बोल रहे हो बाबा? व्हाट इज इट प्लीज प्लगिंग इन समथिंग. सॉरी हेलो छोटू व्हाट इज वो कुछ प्लग इन कर रहा है ना, कुछ बस प्लग इन नाम कर रहा है. बताओ. हाँ इस प्लग कुछ प्लग इन कर रहा है. बाप रे. हाँ सो यू जस्ट नीड सम टाइम बिकॉज ये पेरेंटिंग इज इमोशनली वेरी ड्रेनिंग ठीक है. ये कोई नहीं बताता. हाँ गूगल पे मम्मा. अच्छा हेलो छोलू, डार्क ग्लासेस. ओ माय गॉड. ओ हो ये हैंडसम बॉय का नाम क्या है? हैंड में नहीं लेना है. हाँ क्या हैंड में बोला? नहीं लेना है. नहीं नहीं अभी नहीं. अरे अच्छा यू एक मिनट बाबू, एक मिनट. अरे रुक जा. ओके. इतना हल्ला मचा. हाय मैम, माय नेम प्लीज. हेलो सूरज. ओके खुशी तुम्हारा क्वेश्चन लास्ट वाला टॉपिक चल रहा था वो वापस रीसेंड करो. शी इज सो स्वीट. आई नो कृष्णा आई थिंक फॉर 6 months नाउ. आई थिंक शी इज अ स्वीट हार्ट. इसी चैट में मैं जिन जिन को जानती हूँ ना, आई एम आस्किंग देम टू ज्वाइन इन. कितने कितने महीनों बाद आई कैन सी यू ऑल ऑल्सो. ओके हस्बैंड मैम, मेरा हस्बैंड कितना समझा जा रहा हूँ वो नहीं समझ रहा. क्या चल रहा है उनके दिमाग में? मेरे साथ रहना चाहते हैं वो.
मैम आवाज भी खत्म आ रही है आपकी। अभी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है कि कम आ रही है कि जोर से आ रही है, ये मुझे बता दो प्लीज। स्लो है साउंड? अभी साउंड है कि स्लो है, सॉफ्ट है कि जोर से आया साउंड? अनिता, ये तो तुम्हारा नाम मैंने पहली बार देखा है। इट्स ओके कृष्णा स्वीटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आवाज आ रही है? अच्छा, तो एक काम करते हैं, वो फोन भी ले गया। अभी उसको बोलो मुझसे चैट कर ले। स्लो है? अच्छा, आई डू वन थिंग, आई फिनिश एंड री एंटर, तो यू ऑल इमीडिएटली री एंटर। ये लास्ट टाइम भी हुआ था, आई डोंट नो व्हाई, व्हेन आई टेक अ वीडियो कॉल मेरी आवाज कम हो जाती है, लास्ट टाइम मैंने नोटिस किया था। तो जस्ट बी देयर, आई विल री एंटर। ओके, साउंड सही है कि साउंड नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी बोलो, नहीं तो मैं फिर सब बंद करूँ फिर खोलू। अभी सुन रहा है? कैन यू हियर मी नॉर्मल? मैम टॉप फैन को भी देख ले। अनीता, टॉप फैन को मैं देखने का बिल्कुल तैयार हूँ। क्वेश्चन डालो सही जगह, गलत जगह गलत क्वेश्चन है। स्लो है तो ठीक है, आई कम इन इन 2 मिनट्स, आई फिनिश दिस लाइव।